मुझे पता बहुत सारे लोग टाइटल को देख के बोल रहे होंगे कि भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी भैया कोई नहीं, अब एक बार बोल दिया तो मैं भी करके ही मानूंगा यार चैलेंज, ओनली हेडशॉट चैलेंज। सुन इधर आ। तो भाई पहले मैं यहाँ पे बहुत तेज स्पीड में भाग रहा था, मैं ही लूंगा बम। फिर मैंने सोचा नहीं यार हेडशॉट चैलेंज करना, मैं इन हल्कों तो मैं लगूंगा तो घंटा नहीं ले पाऊंगा बम, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और मैंने दो उंगलियाँ दिखाई आप लोगों को, मतलब कि गाइस मैं मरने जा रहा हूँ, तो और मैं चल गया मरने के लिए। अरे मार के आऊँगा टेंशन मत लो, अरे मार के आऊँगा टेंशन मत लो। तो भाई पहले वाले मैच में मरने के बाद मैं फ्री फायर वाले से कहने लग गया कि यार जल्दी से जल्दी खोल दो यार, मुझे मतलब अंदर रश करना, मतलब जल्दी से जल्दी करो। और दरवाजे से खोलने के बाद भाई मैं अंधा रश करने चला गया, और भाई साहब अभी एक बंदा आने वाला सामने, उसको इतना गंदा हेड मारूंगा ना मतलब भाई उसका सर्वर फट जाएगा अभी देखना। ओ भाई क्या हेड लगा, मतलब 32 का हेड लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास स्किन नहीं है, अगर स्किन होती ना इसका सिर खुल जाता अभी तक। और यार मतलब मैं सोच रहा था इसको नहीं नॉर्मल डैमेज नहीं दे रहा, बस हेडशॉट मारना है, डैमेज तो मैं इसको ऐसे ही दे रहा था। मतलब यार इतना नुबड़ा कोई कैसे हो सकता है, बंदे की बात नहीं कर रहा अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब यार इतने पास से मेरे से एम लगाया गया, क्या हेडशॉट चैलेंज करेगा रे मैं। और भाई पहले मैच में मैंने क्या कर रहा था, मैं सबसे ज़्यादा अंदर रश कर रहा था, इस बार मैंने इनको खुद आगे जाने दिया, मैंने कहा जाओ तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूँ, भाई वेट मत करो भाई देख लेगा। और भाई ने देख भी लिया, मतलब हर बार मजाक थोड़ा करूँगा, ये मजाक थोड़ा कर रहा है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। और देख सकते हो बंदा देख रहा मुझे कि भाई आ जा आ जा, तो मैं चला गया टीम अप करने के लिए, तो ये भाई भग गया, मतलब यार भाई साहब टीम अप ही नहीं कर रहा है, मैं क्या बोलूँ उसको। फिर मैंने देख सोचा कि टीम अप करेगा ये, फिर नहीं करी इसने, ये मैट किट लगाने लग गया, मैंने कहा भाई मैट किट नहीं हेड ले। और भाई साहब UMP वाला मुझे लगा था ले जाएगा। और फर्स्ट मैच वाले में मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने एक को नॉक करके मैं वेट कर रहा था वहाँ पे कि दूसरा बंदा है, और फिर जब दूसरा बंदा आया उसने मुझे ले लिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे वेट करा अपने किल का कंफर्म करे। और भाई साहब इस बार मैंने तीनों बंदे मार दिए, मतलब स्क्वाड के देख रहा, मतलब तेरे भाई में भी दम है, मतलब है यार लिटरली नूब तो नहीं थे ये बंदे, पर हेडशॉट मारने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ऐसे अगर शॉटगन चला रहा तो बंदा। तो भाई ये चौथा मैच है और मुझे यहाँ पे से कहीं से गन चलने की आवाज़ आ रही थी, मैं कह रहा भाई कौन चला रहा है, भाई मुझे नहीं बुलाओगे, भाई को पार्टी में नहीं बुलाया भाई, हेलो, अरे यार सॉरी इसका सिर फट गया यार, भाई यार मेरे पे केस वेस मत करवा देना। तो आप लोगों को AWM जब शुरुआत में आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में, आप लोगों को लग रहा होगा भाई साहब तो AWM से मारेगा, पर घंटा मुझे AWM इतनी सही नहीं चलानी आती सही से बताऊँ तो, क्योंकि यार अभी पहले मैं इवेंट वीडियो बनाता था, मुझे इतना मतलब वो नहीं है इसका ना, मतलब गेम प्ले वगैरह का, तो मैं अभी बस सीख रहा हूँ मतलब, और फ़ोन भी चेंज कर लिया तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है। और भाई साहब मेरी हेल्थ देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, तो यार इतनी हेल्थ ज़्यादा थी, मैंने सोचा यार बंदे को थोड़ा सा फेयर प्ले करते हैं, तो मैं नीचे भाग गया, मैंने कहा इस अपनी हेल्थ थोड़ी डाउन करवा के आऊँगा फिर इसके सामने आऊँगा। और भाई साहब ये मुझे लगा तो ले जाएगा मुझे, लॉयर ले ही जाता मुझे, पर मैं भाग गया, इस बार मुझे लगा नहीं था मैं बच जाऊँगा, पर मैं बच गया पता नहीं कैसे। और भाई शॉटगन वाला देख सकते हो मैं इसके लिए वेट कर रहा था, और यार मैं कवर में था पता नहीं कैसे मर गया, और जैसे आता ना मैं उसका हेड दे देता, पर यार इसने ले लिया मुझे, पर कोई नहीं यार मतलब अब शॉटगन वाले मैं हाथ से कितने मार लूँगा उनको। और यार मैं मरा तो मरा, पर यार इनका जो गेम प्लान है ये नुबड़े आ गए मेरे टीम मेट में, भाई साहब बस एक ही बंदा प्रो था मेरी टीम में और तो बाकी नुबड़े थे, मतलब अपोनेंट को सारे प्रो दे दिए मुझे ये नुबड़े दे दिए, मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, मैं इनका गेम प्ले तो नहीं दिखा सकता सॉरी। और ये देखो सीन यार इसने हेड क्यों नहीं मारा, भाई साहब उनके अपोनेंट टीम में भी एक नोबड़ा ही आ गया था यार, मतलब है तो प्रो 60 का डैमेज नहीं दिया वैसे, भाई साहब क्या ही बोलूँ इस अपने यार इस वाले टीममेट को देख के मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि प्रो है नोबड़ा, पता नहीं मुझे क्योंकि हरकतें थे नोबड़ वाली कर रहा था क्योंकि इसे लैंडमैन नहीं फटती थी। तो भाई 5th राउंड में तो मैं बड़ा प्रो बन रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ पे छत पे बैठा हुआ आराम से दूंगा बंदों में हेडशॉट ही हेडशॉट। और भाई साहब यार मतलब दो दो जगह से मारा, एक ने नीचे से मार दिया एक ने साइड से मार दिया यार, मतलब बहुत ही बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है यार। और फिर मैं इसको एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, और यार मुझे इसको देख के बड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं इतने हेड से बंदे मार रहा हूँ, ये भाई साहब ड्रैगन ऑफ से दो दो शॉट में बंदे डाउन कर रहा है, मतलब यार दिस इज़ अनफेयर यार, मैं चैलेंज कर रहा हूँ तू नहीं चैलेंज कर सकता मेरे साथ, क्या सचिन अभी गया पड़ा है हरियाणा, वरना तो उसी के साथ रिकॉर्ड करता मैं चैलेंज, पर कोई नहीं। और भाई सॉरी 6th मैच स्किप करने के लिए, पर मैं उसमें मर गया था वैसे भी क्या दिखाता, पर गर्मी एक वैसे ही लग रही है तो थोड़ा उसको क्या देखोगे। और पीछे से देख सकते हो दो बंदे थे, मैं सोच रहा था इस बार पीछे रहता फिर भी, और भाई पर ये पता नहीं कहाँ से आ गए लोग। और ये बंदा देखो इसको 550 का दिया मैंने डैमेज, पर भाई फिर भी नहीं मरा ये, व्हाट द हेल, या तो दिखाते नहीं तुम डैमेज, मतलब या तुम तो गर्म करके ठंडा छोड़ देते हो क्या बोल। तो भाई अब लास्ट मैच है तो इसलिए मैं माइक ऑन करके इनको बोला कि नोड़ो ध्यान से खेलना, नहीं मजाक करो इन्हें। हेलो भाई कवर में रहो, रुक जाओ बम फटने वाला अभी अपना आप ही। और भाई मैं भी सोच रहा था कि यार मैं भी कितना नुबड़ा हूँ कि किल तो कर रहा हूँ मैं, पर इसमें तो जीतने का तो यही था ना सीन कि बस लास्ट तक जिंदा रहो, और अगर तुम्हारे पास बम है तो बस वेट करो,
तो मैं फालतू में बंदों से फाइट ले रहा था। खैर किल तो मैंने काफ़ी अच्छे कर दिए, 5 किल ओनली, हेडशॉट चैलेंज तो कंप्लीट हो गया। और थैंक यू भाई रैंडम टीममेट्स को कि इन्होंने भूया करवा दिया। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब एंड गुड बाय।